देश भर में आज बैंक बंद हैं। 10 लाख कर्मचारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं और हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि मन मुताबिक वेतन नहीं मिल पा रहा बैंक कर्मियों को। देश भर में बैंक कर्मचारी अपने बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल का नेतृत्व यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन कर रहा है जो नॉन यूनियंस को मिलाकर बना एक संगठन है। बैंक कर्मचारी इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से पूर्व में प्रस्तावित 2% से अधिक वेतन वृद्धि नहीं करने का विरोध कर रहे हैं। वेतन में 1 नवंबर 2017 से वृद्धि हुई नहीं है। कर्मचारियों के पिछले वेतन समीक्षा में 15% की वृद्धि की गई थी। ये वेतन समीक्षा 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 के लिए थी। तो बैंक कर्मचारियों की मांग क्या है ये समझिए। 1 नवंबर 2017 से वेतन बढ़ा नहीं है बैंक कर्मचारियों का। वेतन में बढ़ोतरी की मांग बैंक कर्मचारियों की। फिर से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं बैंक कर्मचारी। पिछली बार 15% वेतन बढ़ा था। 2012 से 2017 के लिए ये वेतन बढ़ोतरी हुई थी लेकिन नवंबर 2017 से वेतन में बढ़ोतरी हुई नहीं है और अब वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों की ये हड़ताल। आपको लिए चलते हैं मुंबई। मुंबई से आपको दिखाते हैं बैंक कर्मचारियों की हड़ताल पर एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट। हमारे साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारी अरविंद मोरे जी हैं जो कि नवी मुंबई के पनवेल में रहते हैं। होम लोन लिया हुआ है, कई जिम्मेदारियां हैं लेकिन जिस अनुसार महंगाई बढ़ रही है उस अनुसार सैलरी नहीं बढ़ रही है और इसीलिए आजाद मैदान में अपने सहकर्मियों के साथ हजारों की संख्या में जो लोग जमा हुए उनके बीच पहुंचे हैं। सर, किस प्रकार से आप लोग की सैलरी नहीं बढ़ रही है, किस प्रकार से घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है? पहले तो हम आईबीए और पर्टिकुलरली मोदी सरकार का हम निषेध करते हैं कि पिछले वेज रिव्यूज में हमको 15% राइज दिया था और उस हिसाब से बाकी स्टेट कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जिस प्रकार उनकी वेज रिवीजन हुई है उस कंपैरिजन बैंक का जो बैंक वेज रिवीजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग नील के बराबर है। पर्टिकुलरली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बैंक एम्प्लॉयज वर्किंग इन सोसाइटी, वो डिमोनेटाइजेशन का हो, जनधन हो या आधार कार्ड सीडिंग हो, इसमें बैंक कर्मचारी ने जो काम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है और जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री जो अर्थव्यवस्था बैंकिंग की जो अच्छी रही है वो पर्टिकुलरली बैंक एम्प्लॉयज के कारण है और इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक एम्प्लॉयज में देने के उपरांत ये तो आईबीए ने गवर्नमेंट ने हमारे साथ 2% की राइज देने की जो खिलवाड़ की है उसके अगेंस्ट में हमने आज का निषेध मोर्चा किया है। 2 दिन के स्ट्राइक पे जा रही है। जो हमारी जो डिमांड है वो लिजिटिमेट राइट जो हमारा है वो हम गवर्नमेंट को आईबीए को मांग रहे हैं और इतनी कम राइज में कोई भी फैमिली का उधर निर्वाह नहीं हो सकता है क्योंकि जो भी बैंक कर्मचारी है और कोई भी सोसाइटी में जो कर्मचारी है वो अपना जो ईएमआई है वो हाउसिंग लोन हो या सोसाइटी का लोन हो या जो भी राइज होता है वो सब एजुकेशन लोन हो, इस लोन में सब कर्मचारी का ईएमआई सैलरी जाती है तो बैंक को एक रिस्पेक्ट भूली जो बैंक कर्मचारी ने 2 साल से जो अच्छा काम किया है अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए वो हिसाब से बैंक कर्मचारियों का सम्मान रखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कर्मचारियों का मांग है कि सम्मानपूर्वक उनका जो वेज हाइक है वो होना चाहिए, पिछले 2 सालों के जो लगातार काम रहे हैं उस काम के अनुसार इनकी वेतन वृद्धि होनी चाहिए। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो देश के बैंक कर्मचारी गुस्से में है, हड़ताल पर है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।